नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस वेल्थ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक सेक्टर स्पेसिफिक ये वीडियो लेके आया हूँ, यानी कि मेरे जो भी आज स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, वो एक स्पेसिफिक सेक्टर से बिलोंग करेंगे। ये इमेजेस देख के आपको थोड़ा आइडिया आ रहा होगा कि वो कौन सा सेक्टर है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। कपड़े से होगी कमाई, यानी कि मैं टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में आपको बताऊंगा जो आगे चल के आपको अच्छा कमाई दे सकते हैं। पास्ट में ऑलरेडी अच्छा रन वो दिखा चुके हैं, कुछ पैटर्न उनमें अभी भी बन रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है अच्छा निकल के आ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपने एक ऐसे स्टॉक के बारे में भी बात करने वाला हूँ जिसको मैंने लगभग 1.5 महीना पहले सजेस्ट किया था, और उन लेवल से स्टॉक 150 रुपये ऊपर आ चुका है। अभी भी इस स्टॉक के अंदर अच्छा पोटेंशियल बना हुआ है, तो अगर आप इस वीडियो को आगे तक कंटिन्यू देखेंगे आपको उस स्टॉक के बारे में और इसी तरीके के और भी कई स्टॉक के बारे में जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं वो आपको सही समय पे मिलती रहे। इंट्राडे ट्रेडिंग से जुड़ी हुई मैं कुछ स्ट्रेटजीज भी शेयर करता रहता हूं। रिसेंटली मैंने एक निफ्टी ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करने की एक बहुत ही आसान स्ट्रेटजी लाइव सेशन अपलोड किया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, हमारा जो पहला शेयर है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है इंडोरामा सिंथेटिक। इस स्टॉक को मैं आपके सामने लेके आया हूँ और कुछ डेटा भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंट बना हुआ है, लगभग 2000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे। कंपनी पास्ट में लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने बहुत ही अच्छा 112 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। इसी हिसाब से ईपीएस हम देखेंगे तो ईपीएस भी अभी -12 से +4 में आ चुका है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं कि कंपनी ने कंसिस्टेंटली अपना जो डेप्थ है उसको कम किया है। ये सब पैरामीटर इस कंपनी को एक अट्रैक्टिव बाय बना देते हैं। अगर मैं प्लेजिंग की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनका जो प्लेजिंग है वो 0% है, यानी कि ये भी एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने प्लेजिंग बिल्कुल नहीं करके रखी है। तो ये एक आप डेटा के हिसाब से देख सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से अच्छी नजर आ रही है। अब अगर चार्ट के ऊपर मैं आपको लेके जाऊं तो चार्ट में मैं डायरेक्टली आपको वीकली चार्ट दिखाता हूं। इसमें आप देख सकते हैं 2004 से स्टॉक का हाई लगभग 110 के आसपास था, वहां से स्टॉक ने कंसिस्टेंटली लोअर हाईज लगाए थे, और रिसेंटली इस स्टॉक ने उस ट्रेंड को ब्रेकआउट दे दिया है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस कंपनी जो है लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है, तो वो चीज हमको चार्ट पे ऑलरेडी देख चुकी है। अब अगर मैं इसको डेली चार्ट पे देखता हूं तो डेली चार्ट पे हमको कुछ बहुत ही अच्छी चीजें नजर आएंगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक में एक अच्छी वॉल्यूम एडिशन के साथ स्टॉक में अपवर्ड डायरेक्शन दिखाया था, अपना एक मेजर रेजिस्टेंस जो था उसको ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद स्टॉक जो है कंसोलिडेट हो रहा है। इसमें जो वॉल्यूम्स है वो भी थोड़ी रिड्यूस होती हुई हमको नजर आई है। एक हमको फ्लैग का पैटर्न यहाँ पे करंटली बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसको ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक वापस से रीटेस्ट कर रहा है उसी लेवल को। तो ये स्टॉक हमारे लिए एक अच्छा अट्रैक्टिव बाय बन सकता है। आप स्टॉक के अंदर एंट्री बना सकते हैं 53 से 50 रुपीज के आसपास में। इसका स्टॉप लॉस सेफर साइड के लिए हम लगा सकते हैं 45 रुपीज का। आप देख सकते हैं जो मैंने वीकली चार्ट पे आपको ट्रेंड लाइन दिखाई थी वही ट्रेंड लाइन ये आ रही है, वो ट्रेंड लाइन हमको करंटली 43 के आसपास बना रही है। तो जो लोग थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं वो 43 के नीचे यानी कि 42 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या 40 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर स्टॉक इन केस आपको 45 के आसपास मिलता है तो आप उस समय एवरेज आउट कर सकते हैं अगर आपका स्टॉप लॉस लोअर लेवल पे है। फर्स्ट टारगेट इसके अंदर हमको बहुत ही जल्दी मिल सकता है जो कि 58 का रहेगा। सेकंड टारगेट इसके अंदर जो मेरा रहेगा वो लगभग 62 का, थर्ड टारगेट 70 का, फोर्थ टारगेट 80 का और 89 ये जो मेरा टारगेट है ये भी हमको जल्दी ही देखने के लिए मिल सकता है। स्टॉक अगर 89
9 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो हमको इसमें और भी अच्छे लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, बट उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा लंबे समय के लिए रुकना पड़ सकता है। 3 से 6 महीने की अवधि के हिसाब से अगर बात की जाए तो इसमें हमको 80 से 90 रुपीज के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों अगला जो स्टॉक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है फिलाटेक्स इंडिया। इस स्टॉक को भी आप देख सकते हैं, स्टॉक का जो रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंट बना हुआ है 2200 करोड़ के आसपास। नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ, कंपनी जो है कंसिस्टेंटली अच्छा प्रॉफिट बना रही है। पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 40 करोड़ के आसपास इन्होंने ज्यादा प्रॉफिट शो किया है। ईपीएस भी इनका कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रहा है। अगर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो इन्होंने भी अपना जो डेप्ट है वो कंसिस्टेंटली रिड्यूस किया है। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए या शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो इसमें जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना स्टेक भी बढ़ाया है, साथ ही साथ उनका जो प्लेजिंग शेयर थी वो भी इन्होंने रिड्यूस की है। बहुत ही ज्यादा रिडक्शन इवन दो इसके अंदर नहीं आया है बट हमको माइनर रिडक्शन इसके अंदर नजर आ रहा है। तो ये चीज भी आप एक तरीके से पॉजिटिवली देख सकते हैं कि ये इसके जो प्रमोटर है वो अपने प्लेजिंग्स को रिड्यूस करना चाहते हैं। दोस्तों इस स्टॉक के चार्ट को मैं पहले आपको सबसे पहले वीकली चार्ट के हिसाब से दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं स्टॉक लगभग 30 रुपए के आसपास किसी समय कोट करता था, तो वहां से स्टॉक के अंदर कंसिस्टेंटली एक अप मूव हमको देखने को मिला है। अच्छा खासा वॉल्यूम एडिशन हुआ है और एक कंसोलिडेशन का जोन अभी हमको चल रहा है। तो इसको अब मैं आपको डेली चार्ट पे ले जाने से पहले एक और चीज दिखा दूंगा, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। तो स्टॉक अगर ये ट्रेंड लाइन के आसपास आपको मिलता है तो उस समय भी कुछ सेफ ट्रेडर जो हैं उस समय एंट्री बना सकते हैं। डेली चार्ट के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो हम देख सकते हैं हमको इसमें एक फ्लैग का पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा अप रैली कंसोलिडेशन और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा, यानी कि आप बोल सकते हैं 107 या 110 रुपए के ऊपर की ये क्लोजिंग देता है अच्छी ब्रेकआउट कैंडल के साथ और अच्छे वॉल्यूम एडिशन के साथ, तो आप उस समय भी एंट्री ले सकते हैं। या फिर जैसा मैंने बताया ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आपको मिलता है तो उस समय आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आपका जो स्टॉप लॉस है या जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाएगा। चार्ट के हिसाब से या पैटर्न के हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस है 92 का निकल के आता है, बट सेफर साइड के लिए आप स्टॉप लॉस इसके अंदर 90 रुपीज का लगा सकते हैं। जो लोग फ्लैग पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं वो 110 के ऊपर की क्लोजिंग पे बाय कीजिए, जो लोग ट्रेंड लाइन के हिसाब से बाय करना चाहते हैं वो 97 या 100 रुपीस के आसपास बाय कर सकते हैं। टारगेट्स की अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो टारगेट्स भी हमको बहुत ही अच्छे और अट्रैक्टिव इसके अंदर नजर आ सकते हैं। पहला टारगेट फ्लैग ब्रेकआउट होने के बाद या 110 के ऊपर के जो रहेंगे वो मेरे 120, 131, 144 और 155, ये मेरे टारगेट्स इस स्टॉक के अंदर नजर आते हैं। दोस्तों 17 जुलाई से मैं अपना एक ऑनलाइन स्टॉक मार्केट का कोर्स शुरू करने वाला हूं, जो कि स्टॉक मार्केट क्लोज होने के बाद या फिर इवनिंग के टाइम पे वो ऑनलाइन कोर्स रहेगा। अगर आपको उस कोर्स के बारे में और भी ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम में मैसेज करके और डिटेल्स ले सकते हैं।